खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को कहते हैं। इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं ने आकाश में तारों के बीच कल्पित रेखाएं खींचकर कुछ आकृतियां उकेरी हैं, जिन्हें अलग अलग नाम भी दिया गया है। प्राचीन भारत में तारामंडलों को नक्षत्र कहा जाता था। आधुनिक युग में किसी तारा के तारामंडल के इर्द गिर्द के क्षेत्र को भी तारामंडल कहा जाता है। इस प्रकार पूरे खगोलीय गोले को अलग अलग तारामंडलों में विभाजित कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में लगे नेशनल साइंस एग्जीबिशन में तारामंडल यानी आकाश दर्शन के नाम से मॉडल लगाया हुआ है। अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर संजय जोशी ने जानकारी देते हुए कहा, स्कूल के किताबों में विद्यार्थी अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं, असल में जब प्रैक्टिकल के रूप में उन्हें यह चीज़ दिखाई जाती है तो इस बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मॉडल बनाया गया है इसमें 100 से अधिक विद्यार्थी एक साथ बैठकर अंतरिक्ष में क्या होता है और तारामंडल क्या है इस प्रकार की जानकारी 3D के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। विद्यार्थी सामान्यतः स्कूल के पाठ्यक्रम में ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, सौरमंडल क्या है, इसकी विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, किंतु इनका व्यावहारिक और प्रायोगिक इस प्रकार का कोई अनुभव विद्यार्थियों को नहीं होता। एक हम लोगों ने मोबाइल प्लानिटोरियम भ्रमणशील तारामंडल बनाया है, जो कहीं पर भी जाके मूव हो सकता है, इंस्टॉल हो सकता है। उसके अंदर एक साथ 30 से 40 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। उस भ्रमणशील तारामंडल में हम एक प्रकार से 3D इफेक्ट के माध्यम से बच्चों को, विद्यार्थियों को ग्रह नक्षत्र क्या है, सूर्य के बारे में, विभिन्न ग्रहों के बारे में, मंगल ग्रह में जीवन संभव है कि नहीं है, समुद्र में जो लहरें आती है उसके पीछे ग्रहों का क्या प्रभाव है, ऐसे विभिन्न प्रकार की रोचक जानकारी, अंतरिक्ष के विभिन्न रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं, लोगों के विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ उन रहस्यों के बारे में, उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारे की विशेषताएँ क्या है, विभिन्न प्रकार के लोग ज्योतिषी राशियों को मानते हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है, ऐसे विभिन्न ग्रहों की, विभिन्न नक्षत्रों की, सौरमंडल की, तारों की, ऐसे विभिन्न जानकारियां हम व्यावहारिक तौर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को दिखाते हैं। एक बहुत अच्छा प्रयोग है, विद्यार्थी व्यावहारिक रूप से, और विद्यार्थी जब इस तारामंडल को देखते हैं तो 3D इफेक्ट के कारण उनको थोड़ी देर के लिए लगता है कि स्वयं वो अंतरिक्ष में पहुँच गए हैं, वो आसमान में हैं, वो तारों के आसपास हैं, और एक वैज्ञानिक होने का एक दृष्टिकोण उनके अंदर विकसित होता है। हमारा मकसद यही है कि 36 करोड़ विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो। 46वें जवाहरलाल नेहरू विज्ञान गणित पर्यावरण प्रदर्शनी में प्रदेश भर के स्कूल के छात्र छात्राएं देश भर के विद्यार्थियों द्वारा लगाए हुए मॉडल को देखने पहुँच रहे हैं, जिससे बच्चों को कई प्रकार की जानकारियाँ भी प्राप्त हो रही हैं। उसी के तहत आकाश दर्शन मॉडल, जिसमें अंतरिक्ष और तारामंडल की जानकारी बच्चों को दी जा रही है, विद्यार्थियों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब इस मॉडल को देखा तो ऐसा लगा कि अंतरिक्ष में आ गए हैं। अभी तक तो सिर्फ किताबों में इस बारे में पढ़ा था, पर आज जब प्रैक्टिकल के रूप में इसे देखा तो काफ़ी उत्साह मिला। आज मैंने तारामंडल के बारे में जाना और बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो हम किताबों में पढ़ते, लेकिन आज लाइव देख के बहुत ही अच्छा लगा। हमने ग्रह के बारे में भी जाना कि 9 ग्रह हैं, उनमें से एक ग्रह 9 ग्रह हैं, और 9 ग्रह के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली, तारों के बारे में भी मिली और सूर्य के बारे में भी जानकारी मिली कि सूर्य एक आग का गोला है और वहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन का जो है नाभिकीय संलयन होता है, इसके बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे कि मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, उसके बारे में भी जाना, और शनि ग्रह वैलय वाला होता है, उसके बारे में भी जाना। इन सब चीज़ों के बारे में आज जानकर बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो आप कुछ भी चीज़ों को लाइव देखें तो अच्छा ही लगता है, तो आज हमने तारामंडल का लाइव सैर किया। मैंने सौरमंडल का सैर किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो पिछले मतलब किताबों में देखा और सुना ही था, आज तो नज़दीक से भी देख लिया। ऐसे वहाँ गया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ग्रहों में दूसरे ग्रहों में, पृथ्वी से दूसरे ग्रहों सौरमंडल में हूँ, ऐसे लग रहा था। और मुझे वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने के मिले, जैसे सप्तर्षि तारामंडल, ओरायन, और एक तारामंडल की आकृति सिकारी जैसी थी। ये देखकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। पहली बार लाइव देख रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा देखकर, और इस हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। जैसे मंगल ग्रह बहुत लाल दिखाई दे रहा है और हमारा पृथ्वी जो है क्लीन है, ग्रीन है, अच्छा है। मुझे आज देखकर बहुत अच्छा लगा। आज मैंने तारामंडल में उनके जो तारामंडल में ग्रह होते हैं उनके बारे में सीखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई अंतरिक्ष में आ चुकी हूँ, और वहाँ मुझे
आज तक मैंने तो पुस्तक में ही पढ़ा था अंतरिक्ष के बारे में, लेकिन आज ये वीडियो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने तारामंडल के बारे में बहुत कुछ जानकारी सीखी, जैसे कि सूर्य की गति और सूर्य से पृथ्वी की दूरी और सूर्य की किरणें कितने मिनट में पृथ्वी पर पहुँचती है, ये सब मैंने सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने यहाँ तारामंडल देखा का वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा उस वीडियो को देखकर। उसमें मैंने ध्रुव तारा को देखा, वो किस प्रकार दिखते हैं, मतलब पास से नज़दीक से देखा, उन्हें जाना, उनके बारे में बहुत सारी बातें सीखी और सप्तऋषि तारा के बारे में भी सीखा, जिसकी वो हस्य आकार का होता है, और बहुत सारी ढेर सारी तारों के बारे में सीखा। जैसे कि हमें दूर से दिखाई देता है तो छोटा दिखाई देता है, आज मैंने उसे पास से देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अंतरिक्ष में तारों के साथ मतलब डांस कर रही हूँ, मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। साइंस फेयर में लगाया हुआ आकाश दर्शन मॉडल विद्यार्थियों के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है। जहाँ छात्र छात्राएं केवल किताबी ज्ञान से वाकिफ थे, जब आज उन्हें प्रैक्टिकल के रूप में अंतरिक्ष की सैर कराई गई तो उन्हें अंतरिक्ष की घटनाओं की जानकारी हासिल हुई, साथ ही इससे जुड़ी अन्य तथ्यों की भी जानकारी उन्हें मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।